प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कौन से किस प्रकार के यीशु के सेवक ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ये दूसरे सेवकों से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा संघर्ष करते हैं, पर इनको दूसरों से प्रतिफल कम मिलता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये लोग बाइबल स्कूल नहीं गए हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और इसीलिए वे लोग जो ज्यादातर बाइबल स्कूल नहीं गए हैं और सेवक हैं, ये बाइबल स्कूल जाने का विरोध भी करते हैं। ये कहते हैं, वो भी परमेश्वर वचन को कोट करके कहते हैं, यीशु ने कहा है कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। ये कह करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग मर रहे हैं, सुसमाचार की जरूरत है, सभी को सेवा में आ जाना चाहिए, पर वे पूरा वचन नहीं पढ़ते। वहां यीशु आगे ये कहते हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो और मजदूर भेजे। आपको मुझको यीशु ने कहा है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर दर्शन पाए हुए लोगों को भेजे, परमेश्वर लोगों के मन को उभारे कि वे प्रभु की सेवा करें, बुलाए हुए लोगों को, सभी लोगों को नहीं, बुलाए हुए लोगों को। और यीशु ने खुद अपनी इस बात पर अमल किया। बाइबल कहती है यीशु ने एक पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना बिताई। इससे पहले कि वो अपने चेलों को चुने, इससे पहले कि वो अपने चेलों को नियुक्त करे, उससे पहले यीशु ने परमेश्वर से पूरी रात, एक रात पहाड़ पर बिताई। और जब वो सुबह उतरा तो लिखा है उसने अपने सभी शिष्यों में से 12 को नियुक्त कर दिया, 12 को चुन लिया। यीशु के बहुत चेले थे, 5,000 की भीड़ उनके पीछे चलती थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में से यीशु ने सिर्फ 12 लोगों को चुना। जो यीशु खुद कह रहे हैं कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, तो उसने पूरे 5,000 लोगों को क्यों नहीं चुना? 4,000 लोगों को खाना एक बार में खिलाया है, 5,000 लोगों को खाना खिलाया है, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। वो चाहते तो पूरी भीड़ को प्रभु की सेवा के लिए चुन सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को चुना जो यीशु ने प्रार्थना करके मांगे थे। यीशु ने पूरी रात प्रार्थना करके ये डिसाइड किया था कि सभी शिष्यों में से कौन होंगे वे जो 12 शिष्य होंगे, वे जो प्रेरित कहलाएंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, अंधविश्वास में मत रहिए, परमेश्वर वचन की पूरी नॉलेज लीजिए। यीशु ने ये कहा, ये सच है, मजदूर थोड़े हैं, ये सच है, फसल पक चुकी, ये सच है, पर यीशु ने कहा है कि उसके शिष्य कैसे होने चाहिए। यीशु ने कहा मेरे पीछे आने की शर्तें हैं, ऐसी शर्तें कि वो व्यक्ति जो अपने आप का इनकार करे वो मेरे पीछे हो ले, जो अपना हाथ हल्की मुठिया पर रख कर के पीछे देखता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। यीशु ने ये बात कही है, जो अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे आ सकता है वो मेरे पीछे हो ले। यीशु के पीछे चलने की शर्तें हैं, हर व्यक्ति को प्रभु की सेवा में नहीं आना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वे लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं जो बाइबल स्कूल नहीं जानते हैं, जिनको परमेश्वर वचन का ज्ञान कम है, वे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वे सेवा बहुत कर रहे हैं, वे मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर उनके जीवन में संघर्ष है, वे फलवंत कम हो पा रहे हैं, रिजल्ट उनको कम मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कलीसिया में होड़ मची हुई है और खासकर जवान लोग पास्टर होना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, पुलपिट पाना चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद कल्पना करिए, आप यदि चाहते हैं डॉक्टर बनना तो आप MBBS बनना चाहेंगे या फिर झोला छाप बनना चाहेंगे? वैसे ही आप कौन सा पास्टर बनना चाहते हैं? आप अनपढ़ वाला पास्टर बनना चाहते हैं या फिर डिग्री वाला, पढ़ा लिखा वाला पास्टर बनना चाहते हैं? क्योंकि जो पढ़े लिखे पास्टर हैं, जिन्होंने बाइबल स्कूल की, वो ज़्यादा अच्छे बाइबल स्कूल की हैं, वे ज़्यादा सक्सेस हैं, उन्होंने ज़्यादा बड़ी सेवकाई की है। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 15:14 में कहा है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने खुद ही बाइबल की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो आप दूसरों को कैसे शिक्षा देंगे, वो भी इस 21वीं सदी में जहां इंटरनेट का जमाना है। आजकल के लोग बहुत शार्प माइंडेड लोग हैं, आपको चाहिए कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो। एक सेवक को हर प्रकार की नॉलेज चाहिए, उनको बाइबल का भी ज्ञान होना चाहिए, संविधान का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ बाइबल से ही सवाल नहीं करते हैं, वो कहीं से भी, दुनिया भी, कोई भी सवाल कर सकते हैं जो लोग कलीसिया में आते हैं। इसीलिए सेवक को ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है आज के टाइम में। यदि आप अनपढ़ हैं, आप पहले सेवा में आ चुके हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं, पर अभी भी आप परमेश्वर वचन की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
क्योंकि खुद परमेश्वर मलाकी 2:6-7 में कहते हैं याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उससे विधा सीखें, व्यवस्था की नॉलेज, परमेश्वर वचन का ज्ञान सुनने के लिए लोग उनके पास आए। लोगों को जो प्रभु के सेवक हैं उनको प्रभावशाली होना है वचन में, और खुद परमेश्वर वचन कहता है कि वे लोग दोगुने आदर के योग्य हैं जो वचन सुनाने और वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं। यदि आप खुद ही बाइबल स्कूल नहीं गए हैं, आपको खुद ही को परमेश्वर वचन का ज्ञान नहीं है, तो आप दोगुने आदर के योग्य कैसे बनेंगे? इसलिए कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जुटाने की, आप ज्यादा सफल हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक आखिरी याद पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और नीति वचन 22:29 में खुद परमेश्वर वचन कहता है यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपने काम काज में निपुण हो तो वो साधारण लोगों के सामने खड़ा नहीं होगा, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, ऊंचे पद वालों के साथ खड़ा होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, वो छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं रहेगा। उस व्यक्ति की तरक्की हो जाएगी जो अपने काम में निपुण होगा, और बेसेवक जरूर सक्सेस होंगे, बेसेवक जरूर उन्नति प्राप्त करेंगे, बेसेवक जरूर ज्यादा सेवा कर पाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने काम में, पास्टर के काम में, परमेश्वर के वचन में निपुण हैं। यदि आप निपुण हैं, आपको परमेश्वर के ज्ञान का अभाव है, तो आप इंतजार करें, प्रार्थना करें, पढ़ें, ज्ञान जुटाएं और फिर आप सेवा करें, आप ज्यादा सफल हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।